हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशली एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं और शुगर केन के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस डाले हैं, लेकिन आपको आप जानते हैं हम कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एट्रेक्टिव और कुछ ना कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो मॉडल सिलेक्ट किया है वही आपको लेना पड़ेगा, वो चीज़ नहीं। आप जैसा मॉडल बोलेंगे, अगर कोई चेंजेस कराना है आपके लोकल एरिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, जैसे भी आपको उसको मॉडिफिकेशन कराना है दोस्तों, तो आप हमारे से मॉडिफिकेशन शेयर करके हम आपको मॉडिफिकेशन भी करके देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मॉडल जो हम बनाते हैं वही लेना है आपको। आप जैसा भी मॉडिफिकेशन, जैसा भी चेंजेस मांगते हैं, वो सब हम आपको क्लियर करके आपके जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसा बना के देते हैं। तो दोस्तों, चलिए टाइम गवाए बिना हम आपको प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं। दोस्तों, ये हमारी शुगर केन मशीन है, नॉन इलेक्ट्रिक विदाउट पावर से चलने वाली शुगर केन मशीन कार्ट, जिसके अंदर पावर का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। दोस्तों, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पावर पे आप चला सकते हो, क्योंकि पूरी मशीन बैटरी ऑपरेटेड है। मशीन के अंदर ही बैटरी उसका लगा हुआ है दोस्तों, जिससे एक बार फुल चार्ज करने के बाद 5 घंटे तक आप उसके अंदर बिजनेस कर सकते हो विदाउट पावर पे दोस्तों। प्लस मशीन पूरी ऑटोमेटिक है दोस्तों, वन टाइम क्रशिंग है, एक ही बार के अंदर 97% क्रशिंग रेशियो रहता है मशीन का दोस्तों, ठीक है। एक ही बार आपको गन्ना डालना है, दोबारा गन्ना डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक बार गन्ना डालेंगे, नीचे उसका वेस्टेज है, वहां से पूरा चूरा बन के निकलेगा दोस्तों। तो आज की तारीख में बहुत ही अच्छी बिजनेस है, बहुत ही क्लीनिटी वाली बिजनेस है दोस्तों ये, क्योंकि मार्केट में आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपके गांव में जो गन्ना का झूस मिलता है दोस्तों, वो 3 बार 4 बार घुमा घुमा के पिलाते हैं, और उसके हाथ कैसे होते हैं, कैसा गन्ना होता है, तो ये सब चीज बहुत इफेक्ट करती है लोगों के ऊपर। आपके वहाँ जो कस्टमर पीने आते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है दोस्तों। तो उसके लिए हमारी पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, जिससे आप ग्लोव पहन के गन्ना कस्टमर के सामने लाइव टू लाइव डाल के लाइव टू लाइव जूस दे सकते हो। जैसे कोई कस्टमर इंस्टेंट आए तो उसके सामने आपको गन्ना डालना है, उसके सामने ये नल खोल के जूस निकाल के उसको दे देना है। कस्टमर को भी लगेगा नहीं, फ्रेश और नेचुरल जूस दिया, कोई पड़ा हुआ 1 घंटे पहले का जूस नहीं दिया है, कि पे उसको अंदर चीनी मिला दिया या स्वीटनेस कर दिया। लाइव टू लाइव आपको गन्ने का जूस कस्टमर को देना है, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो अप हो। एक बार जो आदमी पीने आएगा वो दूसरे 10 लोगों को लेके आएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको मशीन की डिटेल्स देता हूं दोस्तों। इसके अंदर ये पूरी मशीन हमने स्टेनलेस स्टील के ऊपर पूरी काट बनाई हुई है, और ये मशीन हमारी जा रही है शिलीगुड़ी जा रही है दोस्तों। शिलीगुड़ी के लिए स्पेशल मशीन बनाई है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उनको ऐसा हैवी व्हील्स चाहिए, लब्बर वाला, आप देख सकते हैं, हेवी ड्यूटी व्हील्स कस्टमर को चाहिए, ये लब्बर वाला पूरा, जो गाड़ियों में व्हील लगता है, मोपेड गाड़ी, 2 व्हील 4 व्हील्स में जैसे व्हील लगते हैं वैसा व्हील्स चाहिए। तो हमने उनको ऐसा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। वैसे नॉर्मल हमारी जो मशीन लेते हो तो उसमें इस टाइप का व्हील आता है, आप देख सकते हो। ये व्हील क्या रहता है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी लादी वाला एरिया है, कोई भी अच्छा एरिया है, वहां पे वो व्हील चला सकते हो। लेकिन ये व्हील क्या है, रोड एरिया पे ऊपर चलने वाली है। ये कस्टमर को एवरी डे 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे गाड़ी ले, ये मशीन ले जानी है, फिर 10 से 15 किलोमीटर वापस घर पे लानी है, तो उसके लिए ये व्हील कंफर्टेबल रहता है, ये वाला व्हील कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट किया था कि भाई हमारे को बड़ा व्हील लगा के दो, हमारे को एवरी डे मूवमेंट ज्यादा करनी है, और ये मशीन वो कोई भी 2 व्हील गाड़ी के अंदर फिट करके लेके जाएंगे 10-15 किलोमीटर दूरी के अंदर। कोई भी 2 व्हील मोपेड गाड़ी है उसके पीछे इसको बांध देंगे और लेके जा सकते हैं उसके अंदर। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने पूरी क्रिएट कर दी है। प्लस यहाँ पे जो इसका छत रहता है, ये भी हमने इसको फोल्डिंग कर दिया, ये नट बोल वाला कर दिया, ये कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, जिससे आपको जगह रोकेगा, साइज रोकेगा, अलग मौसम के हिसाब से आपको रखना है। जैसे धूप का मौसम है तो धूप के लिए आप छत्ता रख सकते हो, बारिश का मौसम है तो बारिश के लिए इसको छत्ते को रख सकते हो। और पूरी फोल्डिंग है, अगर आपको गर्मियों के जैसे बारिश के मौसम में, ठंडियों के मौसम में रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो आप इसको निकाल के नेकेड भी काम कर सकते हो। आपका कोई शॉप है, फ्यूचर में कोई प्लानिंग चेंज होता है, जैसे कि अभी तो आप ले रहे हो मार्केट में घूम घूम के बिजनेस करने के लिए, कल सुबह फ्यूचर में 2-4-6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर आपको रेस्टोरेंट, कोई भी दुकान रखते हो तो वहां पे भी इसको रख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे हमने पूरी ऑटोमेटिक मशीन लगाई हुई है शुगर केन की, जिसके अंदर एक बार गन्ना डालेंगे, पूरा छन के झाली के अंदर छन के उसका कचरा साफ होकर पूरा नेचुरल जूस निकलेगा। यहाँ पे हमने एक ऑरेंज जूसर मशीन लगा दी है, जिसके अंदर आप ऑरेंज है, मौसम्बी है, नींबू है, दाड़म है, उन सब का जूस निकाल सकते हो हैंड ऑपरेटली मैन्युअली। यहाँ पे हमने एक आइस बॉक्स रख दिया, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आइस बॉक्स, अगर कोई ठंडा जूस मांगता है तो इसके अंदर आप आइस भर के भी ले जा सकते हो, आप देखिए इसको, ये
आइस बॉक्स भी हमने रखा हुआ है, जिसको कस्टमर को चिल्डनेस ठंडा जूस पीना है तो ऊपर से आप उसको आइस और बर्फ भी डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे डोर दिया गया है हमने, यहाँ पे स्टोरेज आप मटेरियल रख सकते हो, जो भी रॉ मटेरियल गन्ने का है या मौसम्बी का या दानम का है वो यहाँ पे आप रॉ मटेरियल सब रख सकते हो। ये बॉक्स है वेस्टेज का है, जो कचरा शुगर केन का जूस निकल के जाएगा ये पूरा वेस्ट बॉक्स में कचरा आ जाएगा उसके अंदर। चलिए दोस्तों मैं आपको मशीन ऑपरेट करके दिखाता हूँ, मशीन में से कैसे जूस निकलती है, कितनी निकलती है और गन्ने का क्रशिंग कितना होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बटन दबा दूँ, यहाँ पे रिवर्स और फॉरवर्ड के दो बटन दिए गए। अगर आपको गन्ना अंदर डालना है तो ये साइड घुमा सकते हो, अगर बाहर निकलना है तो इस साइड घुमा सकते हो। यहाँ पे हमने LED लाइट भी दिया है कि आपका बैटरी कितना चार्ज है, आप देख सकते हो बाहर से। आप देखिए अभी 25% है, 75% का बैटरी चार्ज है इसके अंदर, जैसे मोबाइल में अपने को बैटरी दिखाता है वैसे इसमें दिखाएगा। और यहाँ पे इसका चार्जर है, अगर मशीन आपको चार्जिंग करना है, बैटरी खत्म हो गया तो यहाँ पे उसका चार्जर लगा पे आप मशीन चार्ज कर सकते हो। अभी दोस्तों हम आपको गन्ने का जूस निकाल के दिखाएंगे, ये गन्ना है मेरे पास, आप देख सकते हैं इसका जूस हम निकाल के आपको दिखाएंगे। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये गन्ना डाल दिया है हमने और यहाँ से जूस आना चालू हो गया है। वैसे ये थोड़ा एक मोटा गन्ना है वो भी डाल के दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जा रहा है उसके अंदर गन्ना। ये गन्ना हमने डाल दिया है, अभी उसके अंदर से हम जूस निकालेंगे, पूरा छान के और गाल के जूस निकालेंगे, जो भी वेस्टेज कचरा रहता है यहाँ पे झाली पे आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये झाली है जहाँ पे उसका कचरा वेस्टेज है वो आ गया है और क्लीन और फ्रेश जूस ये ट्रे झाली के अंदर आ चुका है। अभी हम इसके अंदर से जूस निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ग्रीन कलर का नेचुरल जूस निकला है, इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कोई भी वो नहीं है, इसके अंदर फ्रेश टू फ्रेश जूस निकला है। सीधा आप कस्टमर को गिलास भर के दे सकते हो, जितना उसको चाहिए, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास आप लाइव दे सकते हैं कस्टमर को। अगर कोई कस्टमर मांगता है उसको आइस चाहिए तो आइस का पीस निकाल के भी इसके अंदर आप डाल सकते हो कस्टमर को। ठंडा चाहिए, अगर कोई नॉर्मल पीना चाहता है तो उसको आप नॉर्मल भी दे सकते हो, कोई ठंडा पीना मांगता है तो उसको आप ठंडा भी दे सकते हो दोस्तों। कोई अगर मौसम्बी का भी टेस्ट मांगता है साथ में तो मौसम्बी का भी एक पीस डालिए, आदू का एक पीस डालिए, फुदीनरा का एक पीस डालिए, जो कस्टमर को टेस्ट चाहिए हर एक गिलास के ऊपर आप टेस्ट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा तपेली भर के बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लाइव कस्टमर आया, कोई मांगता है आदू वाला चाहिए तो गन्ने के साथ में आदू का एक छोटा सा पीस डाल दीजिए, अगर गन्ने के साथ नींबू मिक्स करना है तो नींबू का छोटा सा पीस डाल दीजिए, जिसमें नींबू वाला हो जाएगा, खट्टा टेस्ट हो जाएगा थोड़ा। तो जैसा भी आपको मॉडिफाई करना है एक एक गिलास के ऊपर आप कर सकते हो, हर एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक गिलास के ऊपर आप सेट कर सकते हो दोस्तों। अभी मैं आपको जिसका जो वेस्टेज निकला है कचरा वो मैं आपको डस्टबिन में से निकाल के बताऊंगा। इसका डस्टबिन भी हमने बहुत बड़ा दिया है कि आप 80-100 किलो एक साथ कचरा भेगा मिक्स हो जाए इसके अंदर 80-100 किलो, तब तक आप इसके अंदर पूरा बाउल निकाल सकते हो उसके अंदर। अभी कचरे का क्या हालत हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी पूरा हमने स्टेनलेस स्टील से डाला है, आप देखिए इसका कचरा है, एक बूंद भी झूस नहीं है, पूरा बिखर गई, आप देखिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा, आओ अंदर देखा लो, एक बूंद भी जूस नहीं है, पूरा सूख चुका है। आप देखिए गन्ने का हालत देखो क्या हो चुका है दोस्तों। ये वापस फोल्डिंग है, आप यहाँ पे वापस इसको रख सकते हो। दोस्तों पूरी मशीन हमने ये देख के बनाई है कि मशीन की लाइफ लॉन्ग रहे, हाई क्वालिटी, 5 साल 7 साल 8 साल तक मशीन को कुछ ना हो, उस सबसे हमने पूरा टोटली वर्क स्टेनलेस स्टील पे किया है। एक छोटे सा बोल्ट भी आप देख सकते हो दोस्तों, वो भी स्टील का हमने यूज किया है। बड़े में बड़ा इसका स्ट्रक्चर से लेके छोटे में छोटे बोल्ट तक में भी हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दोस्तों, एक बोल्ट का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि ये बिजनेस मार्केट में ले जाके नेचुरल आइटम से होने वाली वर्किंग है, इसलिए इसके अंदर एक बोल्ट का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जिससे मशीन का लाइफ बढ़ जाएगा आपका।
5 से 7 साल तक आपको मेंटेनेंस के हिसाब से कुछ आएगा नहीं इसके अंदर, लॉन्ग बिजनेस लॉन्ग टर्म से आप ये मशीन लेके काम कर सकते हो दोस्तों। तो आज की तारीख में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस। अगर आपके वहाँ पावर का दिक्कत है, पावर का प्रॉब्लम है, तो आप ये मशीन, ये खाली मशीन भी ले सकते हो, अगर पूरा कार्ड चाहिए तो पूरा कार्ड भी ले सकते हो। अगर आपके वहाँ पावर का रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है, पावर कंटिन्यू अगर कोई रेस्टोरेंट है आपका, कोई भी बड़े मॉल में रखना है जहाँ पावर अवेलेबल है, तो उसके लिए आप ये कार्ड भी ले सकते हो। ये कार्ड भी हमारे कस्टमर है, बिहार के कस्टमर है, उनके लिए हमने तैयार की गई दोस्तों। ये मशीन एक कूलिंग सिस्टम वाली है, लेकिन इसके अंदर पावर इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है दोस्तों। विदाउट पावर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के ये मशीन नहीं चलेगी। कस्टमर ने जो नाम बोला था हमको स्वस्तिक नाम हमने लिख दिया उसके अंदर। मशीन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाली हुई है, 1 HP मोटर वाली, कॉपर वाइंडिंग मोटर वाली मशीन डाली हमने, प्लस यहाँ पे कूलिंग सिस्टम डाला है। जिसको ठंडा जूस चाहिए उसके लिए 2 हेड दिया गया यहाँ पे। जिसको चील्ड और ठंडा जूस पीना है वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, जिसको नॉर्मल और सादा गर्म पीना है उसको आप यहाँ से नल खोल के जूस दे सकते हो। ये भी मशीन 1 टाइम क्रशिंग है, एक ही बार में 97% क्रशिंग रेशियो है। यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर दिया गया है हमने, जिसमें आपको कितना चिल्ड पीना है जूस, कितना चिल्ड लोगों को देना है, मौसम के हिसाब से चिल्डनेस आप सेट कर सकते हो। गर्मियों का मौसम है तो लोग ज़्यादा चिल्ड मांगते हैं, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। तो आप इसमें टेम्परेचर माइनस करके उसको कूल्ड चिल्ड और कूल्ड ठंडा दे सकते हो। गर्मी ठंडियों का मौसम, बारिश का मौसम है तो उसमें ठंडा लोग कम मांगते हैं, तो उसका टेम्परेचर कम कर देना है। तो वो टाइम पे आप एज पर मौसम के हिसाब से उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हो। प्लस ये मशीन दोस्तों ऑनलाइन चिलिंग सिस्टम वाली, हमारी कंपनी ऑनलाइन चिलिंग सिस्टम वाली बनाती है, स्टोर चिलर वाली नहीं बनाती है। स्टोर चिलर में क्या होता है दोस्तों के 50-60 ग्लास 30 ग्लास इकट्ठा हो जाता है अंदर और पड़ा रहता है। कस्टमर जब आता है ग्लास भर के उसको देना है आपको, उसमें क्या होता है अंदर जो जूस पड़ा हुआ रहता है वो काला हो जाता है। 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पड़ा रहेगा ना तो जूस का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमने ग्रीन कलर का जूस निकाला है तो वो ब्लैक कलर हो जाएगा जूस उसका, तो कस्टमर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, फेंक देंगे आपके सामने। ये मशीन की क्या खासियत है, जो गन्ना आप डालेंगे उसका जूस लेके सीधा सर्कुलेशन होके निकालेगी। अंदर का टेम्परेचर है -2 -3 -4 -5 0, जो भी आपने सेट किया उसके अंदर घूम के सर्कुलेशन होके यहाँ से जूस निकलेगी। इसलिए जो गन्ने का जूस निकला है वही सर्कुलेट होके चील होके निकल के कस्टमर को आप सर्व कर सकते हो। इसलिए फ्रेश टू फ्रेश जूस, एक मिनट भी पड़ा नहीं रहेगा जूस उसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों आज की तारीख में बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही कमाई वाला बिजनेस है। आपको मैं एक ग्लास का कॉस्टिंग अगर बता दूं दोस्तों, ये ग्लास जो है 200 ml का ग्लास है, इसको बनाने का खर्चा दोस्तों आपको ₹3 का आता है ग्लास के साथ में। ये ग्लास ₹3 में आपको पड़ेगा अगर हाई क्वालिटी की मशीन है तो, क्योंकि ये मशीन के अंदर 1 किलो गन्ने के अंदर 750 ग्राम जूस निकलता है। बाकी मार्केट में बहुत सारी मशीन निकलती है उसमें 450 ग्राम 500 ग्राम निकलता है। अगर दोबारा डालेंगे तो ज्यादा जूस निकलेगा, 3 बार डालेंगे तो ज्यादा जूस निकलेगा, लेकिन 2-3 बार ऑटोमेटिक मशीन लेके 2-3 बार डालने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसलिए ये मशीन के अंदर 1 किलो गन्ने के अंदर 750 ग्राम जूस निकलता है। एक ग्लास बनाने का खर्चा ₹3 का नेकेट गिरता है आपको। बाजार में कम से कम 15 में सेल होता है, अगर 15 का भी मत गिनो आप, ₹10 भी गिनो कि भाई आपका एरिया कम पैसों कम पेमेंट देने वाला है, वहां पे छोटे लोग रहते हैं या कुछ भी है, तो आप ₹10 में भी सेल कर सकते हो। तो एक ग्लास में आपको नेकेट क्लियर नेट प्रॉफिट ₹7 का मिलेगा। मशीन की कैपेसिटी है 1 घंटे के अंदर 250 ग्लास की, 1 घंटे में आप 250 ग्लास मशीन में से जूस निकाल सकते हो दोस्तों। 10 घंटा अगर आप रोजाना 250 की जगह 1 घंटे में 100 ग्लास ही निकालते हो, रोजाना 1000 ग्लास का ही आप सेलिंग करते हो मार्केट में दोस्तों, तो भी रोजाना आपको 6-7 हजार का कम से कम मिनिमम प्रॉफिट रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की तारीख में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही ज्यादा चलने वाली बिजनेस है दोस्तों। ये मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी, मशीन की प्राइस क्या है, मशीन कैसे मिलेगी, मशीन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, मशीन की साइज क्या है, कौन सा मटेरियल स्टील यूज किया, हर एक जानकारी के लिए हमारी सेल्स टीम मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहती है, आपको रिप्लाई आपको जवाब देने के लिए दोस्तों। तो हमारी कंपनी का नंबर नोट कीजिए, वैसे तो वीडियो में ब्लिंकिंग हो रहा है फिर भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ, 8866575519। दूसरा नंबर नोट करिए दोस्तों, 9638234133। मंडे से लेकर सैटरडे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक। दोस्तों वीडियो पसंद आया, बिजनेस पसंद आया, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आपको नई नई प्रोडक्ट्स, नई नई अपग्रेडेशन, नया नियम क्या जो चीज बनाते हैं उसकी जानकारी मिले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।